मतलब अपन से ना ढेर सारा बात करूंगा, तो तब तक वीडियो में बने रहे। अपन राइज आशीर्वाद को की बारो राइज सपोर्ट को की तो मोगो मांग राइज मांग अब राइज मतलब छह महीने के अंदर एक एक शो आ जाते हैं, तो कोई भी जित कहीं पे भी टैलेंट मतलब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायरल साजन को ब्लॉग। आज स्पेशली मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, मतलब आप लोगों को सभी को पता ही है, मतलब क्योंकि हम लोग का आसाम में कौन अभी वायरल है, तो उसका घर पे जा रहा हूँ। थंबनेल को देख के पता चल गया होगा शायद, अभी टाइम 5:45 तो जाना है अभी वहाँ पे, क्योंकि उसका 10 बजे को ना प्रोग्राम है, तो उससे पहले पहले पहुँचना है मुझे, मतलब वहाँ पे जाके ही सब कुछ आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करता। तो चलो गाइस, चलो 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 जाना है, चलो। सो गाइस, अभी पहुंचा हूँ सिलापोटार पे, तो देख सकता है एक भी दुकान ओपन नहीं है। पूरा ये मॉर्निंग का जो सिलापोटार का नज़ारा है ना, तो ऐसा देखता है, तो आप देख सकते हैं। अभी पहुंचा हूँ धेमाजी टाउन पे, तो टाइम बज रहा है 6:35, तो देख सकते हैं एक भी दुकान ओपन ही नहीं हुआ है। देखो ये जो है ना, ये धेमाजी का नज़ारा है मॉर्निंग। तो गाइस, मैं गुगामुख जा ही रहा था, तो हम लोग जब मैं घर से निकल के आया था ना, तो हम लोग का साइड में पूरा बारिश ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अभी मतलब यहाँ से ना गुगामुख तक 27 किलोमीटर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मतलब बारिश, देख सकता है पूरा बारिश दे रहा है। तो अभी इसलिए एक मतलब दुकान है ओपन नहीं किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, जब बारिश रुकेगा ना तो डायरेक्टली जाऊँगा। तो देख सकता है यहाँ पे पूरा बारिश है, देख सकता है। तो गाइस, बारिश रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए ये जो भैया है ना, भैया का शॉप से एक छाता लिया हूँ। मतलब ऐसे मतलब जब वीडियो बनाने के लिए जाता हूँ ना, तो बारिश होता है ऐसे, मतलब इमरजेंसी मैं ना साता ले लेके मेरा 3 छाता हो गया है, सिर्फ बारिश का टाइम पे ही लेके, जब मतलब घर से निकलता है ना तो बारिश ना, तो मजबूरी से लेना पड़ता है, तो ले लिया। ये देख सकते हैं अभी साता लेके जाने वाला हूँ, तो गाइस जैसे तैसे साता लेके 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जैसे आ गया, पूरा बीत गया है, जूता का अंदर भी पूरा पानी है। इसलिए मतलब वो मोबाइल का चार्जर तार्जर भी लाया था ना, तो इसको थोड़ा सा मतलब ओवर का अंदर डाल देता हूँ। पूरा बारिश रोकने का नाम ही ले ही ले रहा है, पूरा देख सकते हैं पूरा भीग गया है मेरा, यहाँ से पानी इतना आ रहा है। तो इतना मेहनत करके फिर भी मुझे वीडियो बनाना ही है, तो मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा जो मजबूर है ना वो भी आप समझ लो। तो गाइस 27 किलोमीटर साता लेके आया हूँ, तो आप सोच सकता है मतलब पूरा इतना मेहनत से आया हूँ ना, तो पूरा भीग गया है, इतना बारिश है ना, तो क्या पहुँच गई आपको अब को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। पूरा अभी बारिश है ना, तो जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो एक हाथ में जाता है एक हाथ में वीडियो। गाइस अभी फाइनली मैं पहुंचा हूं अब उनका घर पे, मेरा सेकेंड टाइम है, एक बार ऑलरेडी मैं 5 टाइम आया था के, 5 टाइम में ही शायद अब उनका जो घर है ना, तो मैं ही वीडियो बनाया था, तो देख सकता है यहाँ पे मैं पहुंच गया हूं। तो अभी जा रहा हूं, मतलब पूरा बारिश में आया ना, पूरा भीग गया, तो देख सकता है मेरा शू है ना, तो ये मेरा शू है पूरा, मतलब देखो पूरा भीग गया है। अभी फाइनली आ गया हूँ यहाँ पे, तो देख सकता है ये हम लोग का प्यारी गुड़िया, प्यारी गुड़िया अपुन ने, तो मतलब अपुन से ना ढेर सारा बात करूंगा, तो तब तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और इच्छा है ना उनसे भी मिल लेता हूँ, मतलब उनसे मिलके तो 2-3 सवाल पूछता हूँ, तो चलो चलो।
तो नमस्ते भैया, ये है आप उनका टीचर। मेरा नाम अयान गिरी है और मतलब आपका स्टूडेंट वहाँ से ना जीत के आया ना, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया था और उस मेहनत का फल आज हमको मिल रहा है। और हमने बहुत मतलब प्रिपेयर किया था इसके लिए, तो अपुन ने भी बहुत मेहनत किया है, मैंने भी बहुत मेहनत किया है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतना अपुन हम लोग मतलब इतना बड़ा मंच में जाके इतना आगे बढ़ के अभी कोई भी देखता है तो बोलता है आप अपुन के सर हो, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और भैया मतलब जो अभी मतलब आने वाला जेनरेशन है ना, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जस्ट एक मतलब सीखने का चाह होना चाहिए और करने का मतलब एक मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे में। कोई भी अगर सीखने का चाह रखे कि मैं सीखूंगा और वो करेगा, मतलब सीखना चाहिए साथ में करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सीखेगा तो नहीं करेगा तो नहीं होगा, तो सीखना जरूरी है। तो आप लोग सीखिए, तो जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। और मतलब भैया मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आपने देखा, मतलब वहाँ पे मुंबई में था ना, उस टाइम पे मैं इसका घर का वीडियो बनाया था, उस टाइम पे मुझे बहुत सारा मेरा सब्सक्राइबर लोग कमेंट किया था, मतलब वहाँ पे जाने के लिए कैसा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, किससे बात करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा मतलब बहुत सारा इंटरेस्ट वाला बच्चा भी है। स्टेट में ऑडिशन होता है हमारे, जैसे हर एक स्टेट में ऑडिशन होता है, जैसे हमारे स्टेट में गुवाहाटी में होता है ऑडिशन, तो गुवाहाटी में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ऑडिशन देना पड़ता है, फिर उसके बाद कोलकाता में सिलेक्ट होता है, जो गुवाहाटी से सिलेक्ट होता है वो कोलकाता में जाना पड़ता है, फिर कोलकाता में जाके अब बॉम्बे में फिर सिलेक्ट होता है, कोलकाता में थर्ड राउंड देके बॉम्बे में जाना पड़ता है, तो बॉम्बे में सिलेक्ट होगा तो वो स्टूडियो राउंड के लिए सिलेक्ट होता है, जब जहाँ पे ऑडिशन बोल के आता है, तो उससे भी शॉर्ट प्रोसेस है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पे भी होता है। और कोई कोई लोग आजकल ऐसा होता है जो सोशल मीडिया पे फेमस होता है, जैसे कि आसाम पे कोई फेमस है और हर कोई जगह पे कोई फेमस है, तो वो लोगों को सीधा कॉल आता है कि आप हमारे शो में आ जाइए, इंटरेस्टेड हो तो हमारे शो में आ जाइए, ज्वाइन कीजिए। तो अपुन के अपुन को भी वैसे कॉल आया था, क्योंकि अपुन थोड़ा फेमस हुआ था इधर ही सोशल मीडिया पे, पहले से भी फेमस था और आगे बहुत टाइम से डांस कर रहा था, तो उस वजह से अपुन को कॉल करके सीधा बुलाया था, उसको ऑडिशन देना नहीं पड़ा था कि गुवाहाटी से कोलकाता, उसको सीधा बॉम्बे बुलाया था, बॉम्बे में जाके उसने दिया ऑडिशन, ग्राउंड ऑडिशन जो थर्ड राउंड का था, कॉलिंग राउंड बोलते हैं उसको, तो वो ऑडिशन दिया, उसके बाद सिलेक्ट हुआ, तो वैसे हुआ। और मतलब कोई अगर फेमस नहीं है फिर भी वहाँ पे मतलब डांस फेमस नहीं है फिर भी उसको वो टैलेंट है डांस करना था, तो वो कैसा ले जाना है उसको ऑडिशन? गुवाहाटी में हर एक सिटी में एक ऑडिशन होता है, गुवाहाटी में होगा, इस बार भी होगा, हर एक साल में मतलब हर एक शो में, आजकल ऐसा है कि ओनली एक शो नहीं है, मतलब 6 महीने के अंदर एक एक शो आ जाते हैं, तो कोई जित कहीं पे भी टैलेंट मतलब यूज कर सकता है, मतलब कोई भी शो में जा सकता है जो नेशनल टेलीविजन, तो वहाँ में जाके ऑडिशन दीजिए और आप लोग अच्छा डांस करोगे, आप में टैलेंट है तो आपको सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और एक बात भैया, मतलब मान लो मेरा एक बच्चा है, मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन वो वहाँ पे डांस करना चाहता है, लेकिन मुझे पढ़ना कुछ भी नहीं आता है, तो मैं कैसे करूँ? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है कि आप बच्चे को सिखाइए ना, बच्चा स्मार्ट होगा। अभी देखिए अपुन पे वो इतना स्मार्ट है और दादा दादी देखिए उतना वो नहीं है, लेकिन अपुन की वजह से वो लोग भी स्मार्ट हो गए, ताकि उसने कुछ सीखा है तो उसकी वजह से वो कर रहे हैं, और साथ में जो दादाजी गए, दादाजी ने भी कुछ सीखा, अभी दादाजी से भी आप बात कर सकते हो, वो हिंदी में पूरे बात कर सकते हो, उनको समझ में आता है, वही है ना, सीखना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। अच्छा, वही है। बस अपन का जो टीचर है ना, उनसे भी मतलब आप लोगों से मिलाया और उससे मिलके कैसा लगा, मतलब जो अपन पेगो का टीचर है ना, उसका बात को सुन के मतलब क्या कैसा लगा और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस फाइनली मैंने दादाजी से मिला, अपुन से मिला, अपुन का टीचर से मिला, और इसे तो नहीं मिला है, उनसे भी दोस्त एक सवाल तो बनता है, तो उसे हिंदी इतना नहीं आता है, वो मिसिंग से बोलेगा हम लोग का लैंग्वेज से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझा रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है? तो ये आयो आयरून मुंबई बाब लंजिक गिला का मैसूदून रमे तत्पोपर मुंबई बाब गिला बारो जगह में क्या पातो कपुन का लगा गला मुंह पे का को बोला ला गला में बोल दो ना बारो फ्लाइट को की तो का पने फ्लाइट को की का पास पे सांगो दो पसो तो माने पसो तंग माने
देखो पसोराग माने आतानी से होते रोबे ने पीपाक दर लुकी लुपना कुमार में पीपाक पीपाक नाम पीपाक दा गरम पा होते ही दे सारे रो ना जितो सारे तो माने तले मुक्कारम दे भोर रो और उन्हें माने कपे होते रोबे ने पीपाक दा ना आको दे इरो को कर बो पा गई रो करो लो सी नोते रोबे ने पीरा अमी दांग ने माने नांगो मगसुर आकम ता दे बुलु सी ना इदा इदा गो सी इदा ना एरम पना पास पास आ दो और के सेकंड टाइम लो पी तो कुमा तो कुमा बो बार मोई सारी बार की गातो दे दिया सारे बे और के आयो माने अपुन बे जिकिल गुलांगकुला नकाप मसुदन छोपा अपुन राइज आखिरबाद को की बारो राइज सपोर्ट को की तो मोगो मांग राइज अम्मांग अबो बे राइज सपोर्ट ला बारो जिकिल गुलांगकुला विनर राइज आखारा का विनर को किंतु विनर मांगम विनर मांग मदे गादा गया रनर सब दम पाला बार अपुन दमे म फोन दुबो नांगलो सो गाइस आप लोग को पता ही है मैं अपुन का घर पे हूं तो पास बस रहने से हो क्या आयो और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जो रोगिस्तार है ना वो मार्केट गया था, मार्केट जाके आ गया है तो उस... और बच्चे झगड़े में कहते हैं कच्ची क्या बतातों के लिए थाली तो बनता है बेटे या बेटी को कुछ भी करना इतना मतलब सारा अपन का प्राइस है तो अपन